चौधरी चरण सिंह जी की 119वीं जयंती राष्ट्रीय लोक दल के कैंप कार्यालय मिर्जापुर में मनाई गई। हमारे संवाददाता विकास मालवीय की मिर्जापुर से ये खास रिपोर्ट। चरण सिंह की जयंती है और राष्ट्रीय लोकदल कैंप कार्यालय मोहरिया मिर्जापुर पर मैं आया हूँ और पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल मिर्जापुर क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। बताइए सर, आप जो है क्या कहना चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की जो जयंती है इस पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज किसान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा सरदार चौधरी चरण सिंह जी की 119वीं जयंती पूरे देश में और प्रदेश में हर जगह धूमधाम से मनाई जा रही है। मिर्जापुर में मैं अपने आवास जो कि कैंप कार्यालय है मेरा, यहाँ पे हम लोगों ने चौधरी साहब की जयंती धूमधाम से मनाई, हवन यज्ञ किया और चौधरी साहब देश के किसानों के मसीहा थे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप चौधरी चरण सिंह की जयंती पे क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों? हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी सरकार है या जो भी लोग हैं गवर्नमेंट में या विपक्ष में, अगर चौधरी साहब की नीतियों पर चलेंगे, चौधरी साहब की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, वही लोग सत्ता में रह सकते हैं, वही सत्ता के हकदार हैं। किसानों और मजदूरों और गरीबों को इग्नोर करके कोई भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। और इस बार 2022 का चुनाव सन्निकट है और चौधरी साहब के नीतियों और सिद्धांतों पे जो लोग चल रहे हैं वो लोग इस बार सत्ता में परिवर्तन करेंगे और बदलाव साफ दिखाई दे रहा है जी। और सर आप क्या कहना चाहते हैं, आपका परिचय? मैं भोलानाथ यादव, पूर्व पिछड़ा और राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश। मैं आज श्रद्धेय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मैं सिर्फ दो लाइन का संदेश देना चाहता हूँ। चौधरी साहब हमेशा कहा करते थे, ऐ किसानों, एक खेत एक आंख अपनी खेत की मेड़ पे रखो, एक रख लो वो दिल्ली राजधानी कुर्सी पे रखो और दूसरा कहां देश की खुशहाली का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। अरे नौजवानों, कान खोल कर खोल लो, चौधरी साहब वही है, वही आज तीसरी पीढ़ी में जैन यक्ष सांसद मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। गठबंधन का दौर है, गठबंधन के दौर में परिवर्तन की लहर आ रही है, परिवर्तन के लहर में नौजवान ही देश की तस्वीर बदलता है, युवा ही देश की तस्वीर बदलता है, किसान ही देश का अन्नदाता है। और मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह, श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह की गत आत्मा की शांति के लिए मैं हवन कुंड में सम्मिलित हुआ हूँ और अपने भाई एवं पूर्व अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सर्वे सभा सब कुछ है राजीव भाई और मैं